यदि आप भी 2023 ईस्वी में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, यानी मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 का फॉर्म कब से भरा जाएगा और इंटर एग्जामिनेशन 2023 का एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा। साथ ही साथ ये एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड हम कहाँ से करेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ और क्या क्या लगाना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, इन सारी बातों की जानकारी आपको मिलने वाली है। इसके लिए गूगल में सर्च कीजिए स्काईलाइट स्टडी और आपके सामने पहला जो सर्च रिजल्ट आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। स्काईलाइट स्टडी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा। यहाँ पर एक पोस्ट आप देखेंगे जिसमें स्पष्ट लिखा गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर का फॉर्म कब से भरा जाएगा, किस साल के लिए, तो 2023 के लिए। इस पोस्ट को आप खोल लेंगे, इस पोस्ट में पूरी जानकारी दी गई है। तो मैट्रिक और इंटर का एग्जामिनेशन फॉर्म 2023 के लिए कब से भरा जाने वाला है इसकी जानकारी आपको बहुत डिटेल्स के साथ इस वीडियो में मिलने वाली है। और इस बात की जानकारी के लिए हमें पिछले साल का यह नोटिफिकेशन देखना होगा। ये मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए जो फॉर्म भरने का डेट आया था उसका ये नोटिफिकेशन है। ये डेट कब आया था, तो 14 अगस्त से 24 अगस्त तक मैट्रिक 2022 का फॉर्म भरने का डेट रखा गया था। और आप जानते हैं कि अभी इस महीने में अगस्त महीने में 15 अगस्त पार हो चुका है और अब बारी बस इसी की है। कभी भी ये फॉर्म भरने का डेट मैट्रिक इंटर का जारी किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार इसी पोस्ट में आपको इंटर के लिए भी जो पिछले साल फॉर्म भरने की शुरुआत हुई थी उसका भी नोटिफिकेशन इसी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इंटर का नोटिफिकेशन की हम बात करें अगर, तो इसमें भी डेट वही सेम टू सेम रखा गया था, 14 अगस्त से 24 अगस्त 2021 तक ये इंटर का फॉर्म भराया था पिछले साल। इस साल भी अगस्त महीने में ही फॉर्म भरने का डेट आने की पूरी पूरी संभावना है। और चूंकि ये पिछले साल का कई साल का पैटर्न अगर हम देखें तो यही समझ में आता है कि ये फॉर्म अगस्त महीने में ही भरा जा रहा है, तो अगस्त चूंकि ये महीना भी चल रहा है, अभी 15 अगस्त पार हो चुका है, तो इस महीने में फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि फॉर्म भरने के लिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट रखेंगे अपने पास। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मिल जाएगा फॉर्म भरने का डेट जैसे ही आएगा, उससे पहले आपको फाइनल यानी कि ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा और साथ ही साथ उस वक्त भी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार करने का डेट दिया जाएगा, तो उस रजिस्ट्रेशन कार्ड का फोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ लगाना है। ये तो एक डॉक्यूमेंट हो गया। फिर जो बच्चे एससी एसटी या फिर BC1 जिसको EBC भी कहते हैं, अगर ये इन तीन कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो क्या करें कि जाति प्रमाण पत्र बनवा करके रखें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको एग्जामिनेशन का जो शुल्क लगता है उसमें अप्रॉक्स लगभग 100 रुपये का छूट मिल जाएगा। तो वो हो गया एक, यानी कि ये दो चीज़ें कम से कम आपको लगानी है, फॉर्म भरने के साथ साथ उसमें फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड का फोटोकॉपी और फिर उसके साथ एक जाति प्रमाण पत्र। लेकिन ये जाति किसके लिए आवश्यक है, तो जो बच्चे एससी एसटी और BC1 यानी कि EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए। जनरल और BC2 के बच्चों को इस एग्जामिनेशन फी में कोई छूट नहीं मिलती है। तो ध्यान रखें अगस्त महीने में बस कभी भी डेट जारी हो सकता है, कभी भी फॉर्म भरने का डेट आ सकता है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट को आप तैयार रखें। और रही बात कि अब कौन कौन से छात्र इस मैट्रिक की परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, तो वैसे छात्र जिन्होंने 2021 ईस्वी में इंटर में एडमिशन लिया या फिर 2021 ईस्वी में 9th में एडमिशन लिया, वो सारे बच्चे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2023 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। या फिर अगर इससे पहले जिन बच्चों का एग्जामिनेशन मैट्रिक या इंटर का हुआ था पर किसी कारण से वो फेल हो गए, तो वो फेल बच्चे भी इस साल मैट्रिक की परीक्षा या फिर इंटर की परीक्षा का फॉर्म भर के उसमें शामिल हो सकते हैं। या फिर मैट्रिक की परीक्षा या इंटर की परीक्षा में शामिल वैसे बच्चे जिनका नंबर उनकी उम्मीद से कम आया था, वो अपना नंबर बढ़ाने के लिए भी चाहे तो 2023 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं एज ए बेटरमेंट स्टूडेंट, इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट। और कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र जो हैं वो भी चाहें तो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं अगर वो पास ना हुए हों या फिर उनका रिजल्ट किसी कारण से ख़राब हो गया हो। तो इतने सारे बच्चे मैट्रिक और इंटर 2023 की परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, डेट बस अगस्त में आने जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ।